हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुपेश फॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, व्हाई शुड यू बाई रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स? क्यों आप रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं? क्यों? इससे पहले भी रेडमी नोट 9 प्रो आ चुका है, तो वो क्यों नहीं खरीदना चाहते आप? एक क्यों खरीदना चाहते हैं? इससे अब इसी सवाल के लिए आपको अगर परेशानी है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इसके बारे में मैं बहुत सारे ऐसे बताने वाला हूं जिससे आपको सहायता मिलेगी, और कौन सा आप स्मार्टफोन आपको ख़रीदना है इसके लिए आपको हेल्प भी मैं करूंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना दोस्तों अच्छा लगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, Redmi Note 9 Pro Max के बारे में बताने से पहले मैं Redmi Note 9 Pro के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ यही कि आपको जो Redmi Note 9 Pro है और 9 Pro Max जो है, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं जो आप लेने के लिए पागल हुए जा रहे हो, कोई खास अंतर नहीं है दोस्तों। आपको प्रोसेसर की बात करते हैं तो आपको क्वालकॉम और स्नैपड्रैगन टीम जो 720 का प्रोसेसर आपको नोट 9 प्रो मैक्स में भी है और 9 प्रो में भी, दोनों में सेम ही है दोस्तों। 48 MP का क्वाड कैमरा एरिया जो दी भी दिया गया है, दोनों में सेम ही दिया गया है दोस्तों, कुछ अलग नहीं है। आपको बैटरी बैकअप की बात करें तो 5020 का MAH का बैटरी जो भी दिया गया 9 प्रो में भी उतना ही और 9 प्रो मैक्स में भी सेम ही दोस्तों। आपको डिस्प्ले की बात करें तो 16.9 cm जो आपको 6.6 cm फुल एच डी डिस्प्ले जो आपको डॉट डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसमें आपको कैमरा डिस्प्ले के अंदर फिटेड है। आपको दोनों फ़ोन में कोई अंतर नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोनों फ़ोन का जो भी आपको डिज़ाइन वगैरह जो भी है, कलर से लेकर सब एनी सब चीज़ जो भी है सब बराबर है दोस्तों, और कुछ नहीं है चेंज इसमें। 9 प्रो वो मैक्स जो अभी रिलीज नहीं हुआ इंडिया में, वो भी आने वाला है, क्योंकि 9 प्रो और नोट 9 दोनों भी इंडिया में आ चुका है। कुछ दिन के बाद आपको मैं बताऊंगा क्या इसमें 9 प्रो मैक्स में थोड़ा सा एव बढ़ के दिया है, जिसके लिए सब लोग मार कर रहे लेने के लिए, चाहे लेना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं बताऊँगा लास्ट में। उससे बता दो पहले दोस्तों, जो 9 प्रो है उसका 4+64 GB का जो भी प्राइस है 12,999 यानी 3,000 के आसपास आपको पड़ने वाला है। अगर आप थोड़ा सा बढ़कर लेना चाहते हैं 6 GB और 128 GB, आपको थोड़ा स्टोरेज की कैपेसिटी आपको ज़्यादा थोड़ा सा चाहिए तो आप 16,000 के आसपास से मिल जाएगा आपको, और कुछ नहीं है दोस्तों। सब सेम हो गया Redmi Note 9 Pro और 9 Pro Max में, ये सेम सब चीज़ सेम है दोस्तों, कुछ नहीं आपको डिफरेंट मिलने वाला है। तो बात कर लेते हैं 9 Pro Max की, उसमें क्या होने वाला है दोस्तों। उसमें 9 Pro Max में 6+64 GB और 6 GB या 64 GB, उसके बाद 8 GB 128 GB आपको यही मिलने वाला है 9 Pro Max में। तो दोस्तों, हमें तो ये नहीं पता चला क्यों सब लोग लेने के लिए 9 Pro Max पागल होने जा रहे हैं दोस्तों। मैं बात करता हूँ इसके जो बैक कैमरा नोट 9 Pro और 9 Pro Max में जो आपको रियर कैमरा दिया गया है, वो क्या फोर्थ कैमरा आपको दिया गया है? तो दोस्तों, क्या डिफरेंस है, क्या चारों कैमरा मिलने वाला, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, आपको जो रियर कैमरा आपको 48 MP का मिलने वाला, तो जो को फर्स्ट सेकंड जो आगे वाला दिया गया है उसमें 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा, यानी कि आपको वाइड एंगल जो खींचते हैं आप अगर रियर कैमरे से खींचने वाले, तो आपको जो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वाइड एंगल उसी को कहते हैं दोस्तों, वाइड लेवल पे आपको कवर करने वाला है। 48 MP वाइड प्राइमरी कैमरा, ये पहली 48 MP वाइड प्राइमरी कैमरा है, दोनों मिलकर ये अच्छा आपको फोकस करने वाला दोस्तों। 5 MP का माइक्रो कैमरा छोटा कैमरा भी दिया गया दोस्तों। 2 MP का डेप्थ सेंस, यानी कि आपको क्लियरिटी डेप्थ में सुधार क्लियरिटी दोस्तों, आपको 2 MP का क्लियरिटी का कैमरा दिया गया, जैसे आपको पहले वाला नोकिया फ़ोन में आपको मिलता था उसी टाइप का इसमें 2 MP का डेप्थ कैमरा, यानी क्लैरिटी देने के लिए 2 MP का कैमरा दिया गया है इसमें दोस्तों, और कुछ नहीं है। और बताते थोड़ा सा
रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में हाईलाइट की बात बताऊं दोस्तों, तो आपको जहां 48 MP का कैमरा दिया गया था रियर वाला नोट 9 प्रो मैक्स में, यहां 64 MP का क्वाड एरियो कैमरा दिया गया दोस्तों, और 16 MP का जो दिया गया था को डिस्प्ले इन डिस्प्ले में कैमरा वो 32 का, यानी कि दोनों डबल कैमरा दिया गया दोस्तों। और प्रोसेसर्स में कोई चेंजेज नहीं है, 33 वाट फास्ट चार्जर इनबॉक्स दोनों में दिया गया दोस्तों, बैटरी कैपेसिटी भी उतना ही है दोनों का समय, लेकिन कैमरा के मामले में 9 प्रो मैक्स जो है आगे थोड़ा सा 9 प्रो से है, इसलिए आप थोड़ा सा खरीदना चाहते हो ज़्यादा कैमरे वाले तो ले सकते हो, लेकिन इससे आप कोई DSLR की तरह कुछ शूट नहीं करने वाले, जो आपको यही लेना है आप जिद किए हो कि यही लेंगे, कुछ ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको दोनों में सेम है दोस्तों, थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें आने वाली है मैक्स में, और प्रो में तो सेम अच्छा है, दोनों अच्छा है। तो चलिए और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कुछ। हाँ तो दोस्तों, कुछ आप नोट 9 प्रो मैक्स का गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ थोड़ा सा देख लीजिए। तो आपको गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि एक्सलेंट वैल्यू के लिए मनी के लिए ठीक ठाक है दोस्तों, पावरफुल प्रोसेसर भी दिया गया ये भी ठीक है, आपको डिसेंट माइक्रो कैमरा यानी कि अच्छी आपको माइक्रो कैमरा दिया गया 6x2 MP का जो मैंने बोला था, और गुड बैटरी लाइफ यानी कि 50-20 का जो बैटरी आपको mAh का दिया गया वो आपको भी ठीक है। लेकिन बैड न्यूज़ आपको ये दोस्तों, डिप पॉइंट लो लाइट फोटो क्वालिटी, यानी कि लो लाइट पे आपको ये फोटो क्वालिटी कुछ खास नहीं देने वाला दोस्तों, तो आपको और हैवी एंड बल्कि और थोड़ा सा इसका जो वेट भी है 0.45 kg, यानी कि आपको थोड़ा सा ये हैवी फ़ोन लगने में थोड़ा सा होगा, कन्फ्यूजिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, यानी कि आपको ये थोड़ा सा मैं शो कर देता हूँ एक मिनट, ये आप लोग देख लो 0.45 kg, थोड़ा सा हैवी फ़ोन होता है दोस्तों, और ये आप डिस्प्ले पे थोड़ा सा पॉज करके देख लेना जो भी देखना है। और दोस्तों प्राइस आप लोग देख लो Redmi Note 9 Pro Max की, तो आपको 15,000 से लेके 19,000 के बीच में। आपको यार दोस्तों क्या लगता है यार, नोट 9 प्रो और 9 प्रो मैक्स में कुछ नहीं अंतर है दोस्तों? कैमरा में थोड़ा सा डिफिकल्ट है और तो कुछ नहीं है दोस्तों, क्यों लेने के लिए पागल हो रही हो? मेरे सजेशन मानो तो ये नोट 9 प्रो मैक्स नहीं लेना यार, नोट 9 प्रो ले लो बहुत ज़्यादा हार्ड है तो, लेकिन ये बेकार हो जाएगा दोस्तों। तो यही आपको सब चीज़ सेम है दोस्तों, सिर्फ कैमरा बढ़ा देने से कैमरा आपको पूरी वेडिंग की जो होता है वो नहीं आप कैप्चर करनी है जो आपको लेना है फ़ोन। तो दोस्तों सब मिला के है बस ठीक ठाक है, नोट 9 प्रो ले लो। कमेंट बताना दोस्तों आपको कैसा कौन सा लेना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।